नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वेदवी YouTube चैनल के साथ। आज इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आखिर ऐसे जो है स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको कैसे डील करना चाहिए, उसके कुछ क्विक टिप्स जो है मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो है प्रिपरेशन इज द की, मतलब आपकी प्रिपरेशन ही जो है वो आपका पूरा का पूरा की होता है आपके स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है तो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ी कम फील होती है, और अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, आपको इनसाइड आपको पता होता है कि मैंने वो एफर्ट नहीं पुट किया है, या मैंने वो टॉपिक रिवाइज नहीं किया है, या वो चीजें नहीं किए हैं, तो जिसकी वजह से जो है हमें स्ट्रेस और एंजाइटी का फील होना बहुत लाजमी हो जाता है। याद रहे कि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन इस चीज में कई सारे लोग प्रिपरेशन करते करते परफेक्शन की तरफ भागते हैं। तो दूसरा पॉइंट यह है कि आपकी प्रिपरेशन तो पहली बात अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रिपरेशन जो किया है उसको एक्सेप्ट करिए कि आपने इतना प्रिपेयर किया है और दैट इज गोइंग टू बी एनफ। अगर आप, हमारा माइंड जो कहते हैं ना कि अक्सर नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा भागता है, वो एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी, जो ना मिला वो सोना है। तो वही होता है कि जो हमें मिल जाता है वो मिट्टी हो जाता है, यानी जो हमने प्रिपरेशन किया हमें लगता है कि वो व्यर्थ है, और जिस यूनिट को या जिस टॉपिक को हमें नहीं किया वो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और ये चीज आपको नहीं लगनी चाहिए, आपने जितनी प्रिपरेशन करी है वो सारी की सारी प्रिपरेशन बहुत है, एनफ है, अगर आपने सही से प्रिपरेशन किया होगा तो। अगर आपने खिलवाड़ किया है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर आपने जेन्युइनली 6 महीने ढंग से प्रिपेयर किया है तो बिलीव और ट्रस्ट करिए अपने प्रिपरेशन पे कि आपने अच्छा किया है। अगर आप उन चीजों के पीछे पड़ेंगे जो नहीं किया तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ना लाजमी है। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ योर प्रिपरेशन, फोकस ऑन दोज थिंग्स जिसको आपने प्रिपेयर किया। सेकेंड इज दैट एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करिए। नोबडी इज गोइंग टू बी परफेक्ट ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, चाहे वो AIR 1 को ही जाके पूछोगे ना, तो जब वो प्रिपरेशन के टाइम में रहा होगा तो उसे खुद नहीं पता होगा कि वो AIR 1 लेके आएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। हर एक बंदा जो है वो इस दौरान फेज से गुजरता है, और जब एग्जाम नियर होता है तो स्ट्रेस और एंजाइटी का बढ़ना जो है वो लाजमी है। तो ये एक्सेप्ट करिए कि ये सभी के साथ होता है। याद रहे कि आपका एम जो है वो प्रोग्रेस की तरफ होना चाहिए, परफेक्शंस की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेंगे तब आप अपने प्रोग्रेस से भटकेंगे। एक्सेप्ट करिए कि मैं जैसा हूं वह ठीक हूं, मेरी प्रिपरेशन ऐसी है, मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहता, ये मैं परफेक्ट नहीं बनना चाहता, मेरे पास जो स्किल है मुझे वही अप्लाई करना है। तो आप एक्सेप्ट करिए जो आप कर रहे हैं, दैट इज गुड। सेकंड के बाद अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने के पीछे जो है वो हमारे फूड हैबिट्स, हमारे ड्रिंकिंग हैबिट्स, हमारे स्लीपिंग हैबिट्स का भी काफी रोल होता है। अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं, तो इस सब इंटेक को थोड़ा मिनिमाइज करिए, थोड़ा अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, वाटर इंटेक को थोड़ा बढ़ाइए। स्लीप साइकिल अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है, रात में ज्यादा देर तक जो है जग रहे हैं, या सुबह बहुत जल्दी उठ रहे हैं, आप अगर 6 to 7 hours की स्लीप एटलीस्ट नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगा। सो बेहतर यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल को भी थोड़ा बेहतर करिए। देखो, लाइफ में एग्जाम सब कुछ नहीं है, याद रहे कि एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्जाम, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का बेसिक ये मतलब नहीं कि दिन भर बैठ के पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, मतलब अगर आप जंक फूड बहुत खा रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए, अगर आप जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम दे रहे हैं तो अवॉइड करिए, ये सब जो चीजें हैं उनको थोड़ा अलग करिए, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करिए। इसी चीज से रिलेटेड है आपका फोर्थ पॉइंट। पहला जो पॉइंट मैंने बोला था प्रिपरेशन, दैट इज द की। सेकंड की आप अवॉइड करिए इम्परफेक्शंस को। थर्ड मैंने बताया था हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। फोर्थ है माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन। कई बार क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस और एंजाइटी फील करें तो उस टाइम पे आप एक क्विक जो है ब्रीदिंग रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें करिए जैसे मेडिटेशन है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील हो रहा है तो आपको पता है कि आप जो है मुद्रा में जाके डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है। सो डीप ब्रीदिंग अगर कभी भी आप, ये बहुत कॉमन सभी लोग बताते हैं कि अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस हो तो काम करो, एक अच्छे पोस्चर में बैठ जाओ, या अगर नहीं बैठने की सुविधा है तो आप जैसे भी पोजिशन में हो अपने आंखों को क्लोज करके अपने सांसों पे फोकस करिए और एक डीप ब्रीथ करिए, जिससे आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है। इससे आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी भी रिड्यूस होता है। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको क्विक रिलैक्सेशन चाहिए फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अक्सर स्ट्रेस और एंजाइटी का बड़ा रीजन होता है वो है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इसको कैंसिल आउट किया जाता है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से। हमें स्ट्रेस तब होता है जब हम रिजल्ट के बारे में फोकस करते हैं या हम अपने फेलियर के बारे में फोकस करते हैं। अक्सर जब हम अपने एग्जाम या अपने लाइफ को लेके बहुत नेगेटिवली विजुलाइज कर रहे होते हैं कि यार ये भी अच्छा नहीं होगा, वो भी अच्छा नहीं होगा, तो हमें ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने लगती है। इसीलिए आप अपने लाइफ में थोड़ी पॉजिटिव विजुलाइजेशन को इंक्लूड करिए।
नहीं भी मन कर रहा हो, अंदर से आवाज नहीं भी आ रही हो, तो एक लाइन में अक्सर बोलता हूं, फेक इट टिल यू मेक इट वाला, फेक ही करिए लेकिन विजुलाइज करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए खुद से कि नहीं आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अगेन मेडिटेशन वाले मुद्रा में जाइए, आंखें बंद करिए और वो सीन्स विजुलाइज करिए कि व्हाट इफ अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो अच्छी जगह पे, पीएचडी एडमिशन ले रहे हो या सारी चीजें जो है अच्छी चल रही हैं, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, उन सीन्स को क्रिएट करिए एक इमेजिनेशन के थ्रू, ये आपकी ब्रेन को एक पॉजिटिव विजुलाइजेशन देगा, जिससे आपके ब्रेन में जो वाइब्रेशनल एनर्जीज है वो पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जीज निकलेंगी जो कि आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को हील करने के लिए हेल्प करेंगे। सो पॉजिटिव विजुलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ट्राई टू सी द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम नेगेटिव विजुलाइजेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ब्रेक एंड रिवॉर्ड्स, कई बार ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इतना ज्यादा जो है टाइम तक प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इतना लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रिपेयर करते हैं बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी रिवॉर्ड्स के, तो हमारा ब्रेन या हमारी बॉडी बर्नआउट हो जाती है, एकदम एग्जॉस्टेड हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है पढ़ा सब कुछ लेकिन याद कुछ भी नहीं है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ बर्नआउट, आपकी बॉडी आपका माइंड एकदम बर्नआउट हो चुका होता है। इसलिए इस सिचुएशन से बचने के लिए, बर्नआउट से बचने के लिए, आप अपने ड्यूरिंग योर लास्ट डेज ऑफ प्रिपरेशन भी आप अपने एग्जाम स्टडी टाइम में जो है ब्रेक इंक्लूड करिए, मतलब अगर आप 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें 1 घंटे बाद 5 मिनट का ही सही, छोटा ही ब्रेक सही लेकिन इंक्लूड करिए, एक गाना सुनिए या पानी पीने के लिए उठ जाइए, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज को करना आपको बर्नआउट कर सकता है। और साथ में अगर आपने कोई टारगेट अचीव किया हो, मान लेते हैं मुझे आज 2 यूनिट रिवीजन करना था और मैंने अगर वो अचीव किया, तो आप रिवॉर्ड दीजिए खुद को कि अरे यार आज तो मैंने 2 यूनिट अचीव किया, लेट्स ईट समथिंग, लेट्स डू समथिंग, लेट्स वॉच अ 20-मिनट यूट्यूब चैनल या तो कुछ भी जो है आपका मन करे, आप अपने आपको थोड़ा एक अच्छा रिवॉर्ड दीजिए, वो रिवॉर्ड एडिक्टिव रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पे रील्स या ऐसी चीजें मत देखो जो आपको भले ही आधे घंटे शुरू तो करोगे लेकिन वो 2-3 घंटे बाद रियलाइज होता है कि अब मुझे बंद करना चाहिए, ऐसा रिवॉर्ड मत देना जो एडिक्टिव रिवॉर्ड्स हो, मतलब जो आपका टाइम कंज्यूमिंग रिवॉर्ड्स हो। तो ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन ब्रेक और रिवॉर्ड करना भी एक बर्नआउट से बचाने के लिए अच्छा सोल्यूशन है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो है कई बार हम अपने प्रेपरेशन के टाइम पे ऑर्गेनाइज नहीं रहते, हम प्रेपरेशन के टाइम पे इतने मेसी हो जाते हैं कि कभी भी कोई भी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। इसका रीजन आजकल के बहुत ही खतरनाक जो यूट्यूब चैनल्स हैं और खतरनाक जो है मोटिवेटर्स और यूट्यूबर्स हैं, मतलब जिन्हें सब पता होता है कि क्वेश्चन पेपर क्या आएगा, जिन्हें सब पता होता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, जिन्हें एवरीथिंग पता होता है आपके फ्यूचर के बारे में, वो आपको चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो 10 वीडियो देखता है, 10 लोगों के अलग अलग सजेशन सुनता है और 10 अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, और जिसकी वजह से उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो खिचड़ी हो जाती है, पूरा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, एक बोलता है ये यूनिट पढ़ो, एक बोलता है ये पढ़ो, एक बोला ऐसे पढ़ो, दूसरा बोलता है वैसे पढ़ो, एंड कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड, जिससे हमें स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा होने लगती है क्योंकि हमें सब कुछ मेसी नजर आता है, कुछ क्लियर नजर नहीं आता कि मेरा डे शेड्यूल कैसा जा रहा है, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा जा रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस और एंजाइटी होना एकदम लाजमी है। इसीलिए मैं आपसे यही रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने आपको ऑर्गेनाइज रखो, अपने डे को ऑर्गेनाइज रखो, मुझे सुबह से लेकर शाम तक किस घंटे में क्या करना है, ये प्लान्ड होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जितना ऑर्गेनाइज्ड आपका, जैसे आपका रूम है, अगर रूम में सब कुछ बिखेर दिया जाए तो आई थिंक यू विल नॉट लाइक दैट, बट अगर सब कुछ प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड रूम हो तो डेफिनेटली यू विल लाइक दैट, यार क्या मस्त रूम है। वैसे ही जिंदगी है, वैसे ही आपका डे है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपका डे पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो तो आपके ब्रेन को लगेगा वाह क्या मस्त दिन है, और अगर आपका डे पूरा एकदम मेसी सा हो तो आपके ब्रेन हमेशा ही सोचेगा यार कैसी जिंदगी है, कैसा दिन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सो स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रैक्टिस PYQs एंड मॉक टेस्ट। कई बार हम बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें अपनी रियलिटी का पता ही नहीं होता कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता, और जब हमें अपनी रियलिटी का ही नहीं पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, तो हमें स्ट्रेस होना बहुत लाजमी, क्योंकि हमने कभी खुद को एवेल्युएट किया ही नहीं। इसीलिए एवेल्युएशन ऑफ योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट बाई प्रैक्टिसिंग द PYQs एंड मॉक टेस्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इवेल्युएट करेंगे, और जितना आप अच्छा इवेल्युएट कर पाएंगे, अगर आप उस बॉर्डर लाइन से ऊपर जा रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है आपको अच्छा फील होगा, कम हो रहा है तो उसको इंप्रूव करिए, स्ट्रेस और एंजाइटी तब कम होगी। एंड द लास्ट वन इज लाइक, आपकी टाइम मैनेजमेंट सही होना जरूरी है। 24 घंटे सभी के पास है, उसी 24 घंटे में कोई बहुत कुछ कर जाता है और कोई कुछ नहीं करता, तो अपने पूरे के पूरे दिन को आप, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे तो लिखिए कि आपका टाइम कहां पे जा रहा है। एक पूरे दिन को एक दिन बैठ के A4 शीट पे लिखिए कि मैं सुबह से लेकर शाम तक करता क्या हूं, और जो करता हूं उसमें से कई ऐसे काम होंगे जो अननेसेसरी होंगे, उनको खत्म करिए और उन जगहों पे नेसेसरी वर्क अपने प्रिपरेशन को इंक्लूड करिए। जितना अच्छा आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे उतनी ही एफिशिएंसी आपकी स्टडी की बढ़ जाएगी और उतना ही कम स्ट्रेस और एंजाइटी होगा, क्योंकि सारा स्ट्रेस और एंजाइटी आपके प्रिपरेशन की वजह से बना। सो इन दिस वीडियो जो मैंने बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए
हेल्प कर सकते हैं उसमें से प्रिपरेशन आपको कि मुझे जो प्रिपेयर किया वो एनफ है ये बिलीव करिए। हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए कि मैंने जो लाइफस्टाइल है, जो खाना है, जो पीना है, जो सोना है, वो सब अच्छा हो। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन फॉलो करिए। पॉजिटिव अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन करिए कि सब कुछ अच्छा होगा। ब्रेक और रिवॉर्ड्स का कल्चर डेवलप करिए अपने स्टडी ड्यूरेशन में। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए जितना हो सके। प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज को अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए। एंड एक्सेप्ट करिए इम्परफेक्शंस को कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं जैसा हूं वो सही है। एंड लास्ट वन, अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।